यहाँ तक दोस्तों आपने पार्ट वन में देखा होगा, और नहीं देखा है तो पार्ट वन देखिए और मजे लीजिए। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आप ये भीड़ देख सकते हैं। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी लोग आते ही जा रहे हैं, गैदरिंग बढ़ते जा रही है। आपको रोड्स के दोनों साइड में यहाँ पे आपको दिख जाएंगे हर तरह का दुकान और शॉप, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। और ये इंट्रेंस है मोरेलो की तरफ का, जिस तरीके से यहाँ पे झांकी बनाई गई है वो दिखा रहा हूँ। और ये भीड़, और ये रोड के उस साइड से जो आप देख रहे होंगे लाल सिंह वाले लोग जो आते हुए, वो अभी डाकबंगला घूम के उस साइड से वापस आ रहे हैं, क्योंकि अभी गाड़ी और वाहन नहीं जा सकती है इस रोड में, बैन है। और पूरे पटना की ट्रैफिक को वन वे किया जाता है पूरे दशहरा, खास करके अष्टमी नवमी और दसवीं के दिन। तो आप ये गैदरिंग देख रहे होंगे, लोगों की भीड़ देख रहे होंगे, और इतनी रात को यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, और आपको जोश की कोई कमी नहीं दिखेगी यहाँ पे। सभी लोग एकदम जोश से भरे हुए हैं, लोग घूम रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं। रात का समय है इतनी रात को, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे अपने मित्र और दोस्त के साथ आते हैं। और ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जिस तरीके से डाकमंगला की तरफ से जो इंतज़ाम किया गया है। आप सभी इस व्यू का, दशहरे का मज़ा लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कमेंट भी कर दो यार, और थोड़ा शेयर तो बनता है भाई। अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ये है चैतन्य देवियों की भव्य झांकी, जहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे रियल इंसान जो होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो देवी जी का रूप यहाँ पे धारण करती हैं। और ये पट खुलेगा तो उसके बाद आपको ये नज़र आएगा। इसमें मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे दिखाने की। भाई इस जगह पे इतनी भीड़ है कि मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, और मेरे पास गिम्बल नहीं है, थोड़ी दिक्कत होगी, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा कश्मकश है यहाँ पे। इतनी गैदरिंग के पीछे रीज़न है भाई यहाँ पे, क्योंकि ये अभी कुछ देर ही और चलेगी, ये 2 या 2:30 बजे के बाद ये बंद हो जाता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की यहाँ पे। ये माफ़ कीजिएगा, ये मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, मेरे पास गिम्बल नहीं है, और मैं जूम करके आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ स्लो मोशन में, पर मैं जहाँ तक हो सकता हूँ वहीं तक दिखा पाऊँगा, क्योंकि मैं मुझे उस साइड से आते आते और इसे वापस फिर से दिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और उस समय तक मुझे उम्मीद है ये बंद हो जाएगा, इसलिए मैं इसी साइड से आपको दूर से ही रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। आप इस देवियों के दर्शन कीजिए, और इतना मेहनत मैंने किया है तो आपको ये दिखना चाहिए, जैसा भी है पर अच्छा है। आप चैतन्य देवियों का दर्शन कीजिए और मजे लीजिए पूरे वीडियो का।
दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे अभी जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ उमड़ रही है, रात के 2:30 बज रहे हैं लगभग। और ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये पहले जो आपको मैंने दिखाया था वो चैतन्य देवियाँ। अब ये डाक बंगला का मेन पंडाल है, जो डाक बंगला का मेन पंडाल है वो मैं दिखा रहा हूँ। इतना भीड़ तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कैमरा स्टेबल नहीं रह पा रहा है, लेकिन इतना हो सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये मेन पंडाल है, मेन पंडाल डाक बंगला का मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और मैं उस साइड से आपको मूर्तियां भी दिखाऊंगा बाद में। यहाँ पे झांकी है, जटायु का झांकी है। मौर्य लोग में एंट्री करने पे आप यहाँ पर एक्चुअली मौर्य लोग इसलिए फेमस ही है और खास करके दशहरे में यहाँ पे आप शुद्ध घी का लिट्टी चोखा पिज्ज़ा और वेज नॉन वेज कुछ भी आप यहाँ पे बहुत कम दाम में बहुत सही चीज़ खा सकते हैं। आज के दिन तो मान के चलिए कि क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट ओवरऑल एवरीडे आपको ये इसलिए ही फेमस है क्योंकि ये मौर्य लोग हैं और यहाँ खाने पीने के लिए ये आप लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ सभी स्टॉल, सब तरह के स्टॉल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मिल रहा है लिट्टी, चिकन, मंचूरियन, सारा कुछ। ये पाव भाजी का स्टॉल है। ये बिहार का फेमस लिट्टी चोखा जो हर जगह बिहार का एक सिंबल बन चुका है वो। अंदर आने के बाद मौर्य लोग का कैंपस, अच्छा बड़ा एरिया है ये। आपको पता होगा कि अभी जस्ट अभी पटना में बाढ़ आया है और इस बार जो आप यहाँ जो भीड़ देख रहे हैं वो बहुत कम है, जबकि आपको ऑन कैमरा आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत कम है। और पिछले साल या और दूसरे ईयर जो जिस तरीके का भीड़ यहाँ डाक बंगला पे होता है वो इसके हिसाब से आज के दिन बहुत कम है। ये मौर्य लोग पूरा भरा होता है डाक बंगला चौराहे से लेके पूरा बेली रोड, आपको एक जगह पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जो भी हो उस आपदा से निकलने के बाद पटना की ये तस्वीर बहुत खुशनुमा तस्वीर जो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। मैं और भी आगे यहाँ से निकलने के बाद मैं दिखाता हूँ हर जगह का पंडाल, दुर्गा जी और भी जो भी है।
खाने पीने के लिए यहाँ सब कुछ है। लिट्टी चोखा बिहार का सिंबलाइज कर दिया गया है, पर ऐसा है नहीं कि सिर्फ लिट्टी चोखा ही बिहार को सिंबलाइज कर सकता है। यहाँ पर बहुत कुछ है, उसके अलावा चाइनीज़ छोड़ के बिहारी खाना के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बिहारी भोजन में ही इसके अलावा बहुत कुछ है जो कि आप बिहार में खा सकते हैं। कभी मैं एक बार और इस पर वीडियो बनाऊँगा कि आखिर बिहार की रेसिपीज़ क्या हैं और बिहार के ट्रेडिशनल डिशेज क्या हैं। चलिए फिलहाल इतना ही। ये जो ये एक्चुअल मूर्ति है देवी जी का, और मैं यहाँ से रिटर्न हो रहा हूँ। रिटर्न होने के दौरान मैं पंडाल के अंदर जितना करीब से हो सकता है वो आपको ये मैं देवी जी का दर्शन करवा रहा हूँ। आप इत्मीनान से इसका दर्शन कीजिए, बहुत अद्भुत सुंदर। और क्या कहें, आज का दिन भी बहुत अच्छा है। धन्यवाद।